अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक और कैपिटल स्मार्ट सिटी की रियलिटी बेस्ड सीरीज़ में आपको वेलकम किया जाता है। आज की वीडियो का टॉपिक सेक्टर एल ओवरसीज़ वन है। मास्टर प्लान पे सेक्टर एल अगर आप गूगल अर्थ पे रखें तो इसकी डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो डेवलपमेंट के साथ सेक्टर एल ओवरसीज़ वन और हाफ के ब्लॉक जो है उस पर भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट का काम, आज उस पर डिस्कशन होगी। लोकेशन वाइज सेक्टर एल बाकी तमाम सेक्टर्स से सबसे बेहतरीन लोकेशन पे, जिसके साथ 400 फीट का बुलेवार्ड डायरेक्टली अटैच्ड है। इस टाइम जो ब्लॉक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सेक्टर के है ओवरसीज़ वन का, और ये रिमेनिंग उसका वो पार्ट जहाँ पर अभी तक काम नहीं हुआ। अब जो स्क्रीन पर आप ज़मीन देख रहे हैं ये ओवरसीज़ वन सेक्टर एल की है। सॉलिड लैंड कल्टीवेशन यहाँ चल रही है, मकामी आबादी अपने ट्रैक्टर्स चला रही है, और एक मकान पर जो कि 3 से 4 कनाल का है वहाँ पे एक रूम ऊपर इजाफी, इन शॉर्ट कंस्ट्रक्शन काम उस मकान पे ऑलरेडी चल भी रहा है। ये वो मकानात हैं जो सोसाइटी अभी तक एक्वायर करने में नाकाम रही है। याद रहे कैपिटल स्मार्ट सिटी जो भी इस तरह के बीच में मकानात एक्वायर कर रही है वहाँ पे उसकी बाउंड्री पे, बाउंड्री वॉल पे कलर करके FDHL लिख दिया जाता है, जबकि इन मकानात पे जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे FDHL नहीं लिखा हुआ, जिसका मतलब है कि ये प्लॉट्स सॉरी मकानात अभी तक सोसाइटी ने एक्वायर नहीं किए। ओवरसीज़ वन में सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे सेक्टर एल डायरेक्टली 400 फीट बुलेवार्ड के साथ अटैच्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ज़मीन ही एक्वायर्ड मुकम्मल नहीं है। बैलेटिंग को 2 साल गुजरने वाले हैं लेकिन सेक्टर एल की अभी तक मुकम्मल ज़मीन ही एक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा सेक्टर जी और ओवरसीज़ वन सेक्टर एफ में भी ज़मीन के कुछ इशूज़ चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली टिपिकल हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने भी पहले बेच दिया और फिर एक्वायरेशन का प्रोसेस किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी सोसाइटी को फेस करना पड़ रही है। अफसोस तो इस बात का है कि सोसाइटी ने एक चीज़ मास्टर प्लान में लॉन्च कर दी, ज़मीन एक्वायर नहीं की, और ज़मीन एक्वायरेशन का प्रोसेस और प्रोसीजर इतना ज़्यादा स्लो है जिसकी वजह से आप को पोजेशन या अपने ब्लॉक के ऊपर प्लॉट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा।